मौला रे मौला रे, कैसा इम्तिहान है। मैं तो कहती हूँ अहमद, शादी कर लो, किसका इंतजार है तुम्हें अब? मेरा इंतजार जब खत्म होगा ना, तो सबसे पहले तुम्हें बताऊँ। दोस्तों के साथ बाहर जाना, कुछ खुशी के लम्हे गुजारना, टाइम स्पेंड करना गुनाह होता है क्या? हाँ है गुनाह, शादी के बाद औरत का दोस्ती रखना गुनाह है जारा। वो आपको बताया था ना आज अहमर हम सबको बाहर। अच्छा तो अहमर बाहर लेकर गया तुम्हें? हाँ हाँ, तुमने तो बड़े मजे किए होंगे, मैं जो साथ नहीं था। नहीं हामिद, बहुत मिस किया आपको, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी ना। वेडिंग एनिवर्सरी? वैसे अच्छा हुआ तुम चली गई, वरना तुम्हारे चहीते कजन तो बुरा मान लेते। खैर तुम्हें ये बताना था कि कल जारा को देखने कुछ लोग आ रहे हैं, अच्छी तरह उसे तैयार कर देना। जारा को देखने? मगर क्यों? क्यों का क्या मतलब? बेवकूफ हो, उन दोनों की शादी नहीं करवानी? सारी जिंदगी इन मुसीबतों को मेरे सर पर ही बिठाओगी क्या? उसे समझा देना कि अच्छी तरह तैयार हो जाए और उनसे तमीज से मिले। क्या इसका मतलब है? आज रात मुझे हवालात में गुजारनी पड़ेगी यार, मेरे पास तो फोन भी नहीं है, माँ की तबीयत का कैसे पता चलेगा? इस तरह तो मैं मर जाऊं, ये रात कैसे कटेगी? ये कैसा इम्तिहान? प्लीज यार हिम्मत करो, अल्लाह खैर करेगा, और वैसे भी मैं तुम्हें सुबह तक यहाँ से निकाल लूंगी। तुम एक काम करो, तुम अभी अपने कजन से मेरे फोन से बात कर लो, मैं भी पूरी रात उससे रास्ते में रहूंगा। ये लो। थैंक यू। बहुत शौक था ना पापा से लाड करने का, देखा नतीजा, अब रोती रहो तुम। क्या बात है? मामा देखे फिर रो रही, जरा जरा सी बात को दिल पे लगा के बैठ जाती है। ये जरा जरा सी बातें ही तो होती हैं जो दिल को चीर जाती हैं। जरा तो मुझे फोन कर देती, मैं जल्दी आ जाती घर। हम एटलीस्ट जीनो को डॉक्टर के पास तो ले जाते, तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था। मामा आपको चंद लम्हे मिले थे खुशी के, मैं आपको फोन करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। और जीनिया की ये हालत पापा के रवैये की वजह से। पापा को कुछ भी मत कहना, मामा आप ही को नहीं जाना चाहिए था। जब मरियम आंटी अंबर आंटी में से कोई नहीं गया था तो आप क्यों गई थी? जीनिया शट अप, अब आगे मत बोलना। तुमने कुछ खाया है कि नहीं? कुछ भी नहीं मामा, कब से यही पूछ रही हूँ इससे कि क्या खाओगी। अच्छा मुझे बताओ क्या खाओगी, मैं बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए, बोलो। आपने पापा से पूछा क्यों नहीं क्या खाना? नहीं। तो जाइए, जाकर पहले पापा से पूछे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मुझे क्या खाना है। अच्छा चलो मैं पूछ लेती हूँ, तुम उठो मुंह हाथ धो लो, मैं खाने का कुछ करती हूँ। तुम ज्यादा पापा पापा मत किया करो, मामा से बुरे सुलूक की और गुस्से की वजह हम दो बेटियां हैं, कि मामा ने दो दो बेटियां क्यों पैदा की समझ में नहीं आती तुम्हें इतनी सी बात। अब जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं कपड़े निकाल रही गए एक हफ्ते के लिए। और सुनो
खाली आता है तो सारी रात मनाते ही रहोगे। बाय। क्या कर रही हो? नहीं कुछ नहीं। मेरी जासूसी कर रही हो तुम? नहीं नहीं, वो मैं तो खाना लेकर आई थी आपके लिए। आप कहीं जा रहे हैं? कॉल रिसीव क्यों की? नहीं नहीं, वो मैं तो जंगल को ही लिखा आ रहा था फोन पे, वो देखकर थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी। कॉल तो नहीं रिसीव की मैंने। मेरे मुंह पर झूठ बोल रही हो? के जंगल क्वीन कौन है तुमसे मतलब? जवान बेटियां हैं आपके घर में, आपकी रातें इन औरतों के साथ गुजरती हैं। सिर्फ रातें ही नहीं बल्कि दिन भी इनके साथ गुजारता हूँ, क्योंकि इनकी कंपनी में मुझे सुकून मिलता है, वरना ये घर तो जहन्नुम से भी बदतर है। तो आप अपने गुनाह का इतराफ कर रहे हैं। मैं हत्तुलिमकान कोशिश करती कि आपके आराम और सुकून में कोई कमी ना आए। आपको ये किराए का सुकून क्यों चाहिए? दो बेटियां पैदा करके जिंदगी अजाब कर दी है, हटो सामने से। और सुनो, रात को मैं घर नहीं आऊंगा तो इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, और दरवाजा लॉक कर देना। सारा, पापा कहाँ हैं? आपके पापा? वो तो चले गए बंधन के। वैसे ऑफिस जाने का तो ये वक्त नहीं है, तो ऑफिस तो गए नहीं, पता नहीं कहाँ गए। वैसे देख लो भाई अपने पापा को, हर वक्त मामा को कोसती रहती हो, मामा ये मामा वो, कभी पापा की भी बुराई। जीनू, मामा, मामा, जीनू, क्या हो गया? मामा जल्दी आ देखिए जीनू को क्या हो गया। जीनू ऐसे क्यों गिरी है? जीनू, हेलो जीनू, क्या हो गया? क्या हुआ जारा, इसको बताओ। जीनू, मामा देखिए ना जीनू को पता नहीं क्या हो गया, अभी तो बुखार से तप रही थी और अब देखिए कितनी ठंडी हो रही है। अब हम इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल कैसे जाएंगे? गाड़ी तो तुम्हारे पापा ले गए और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है बिल्कुल। तो किसी को कॉल कर दे, अंबर अहमद अंकल को कॉल करते, वो जल्दी आ जाएंगे। मैं कॉल करती हूँ, तुम इसको देखो जरा। जीनू, मामा जल्दी करें। जमील, जीनिया को हॉस्पिटल ले चले, कुछ देर देखते हैं, घंटे दो घंटे में जरूरत पड़ी तो फिर ले जाएंगे। अभी वैसे परेशानी वाली बात कोई नहीं है, मैं यहाँ बैठा हूँ। डॉक्टर अंकल, मैं सिर्फ कॉफी अच्छी बना लेती हूँ, अगर आप कहें तो मैं ले आऊँ। जरूर बेटा। सबा, इस जीनू को क्या स्ट्रेस है, क्या हालत बनी है इसकी? मैं तुम्हें क्या बताऊं, खुद ही अंदाजा कर लो। रात के इस पहर हामिद घर पे क्यों नहीं है और तुम्हें तकलीफ क्यों दी हमने? वैसे हामिद, मुझे तुम्हारा दिया टाइटल बहुत पसंद आया, जंगल को। वैसे अच्छा ही हुआ उसे पता चल गया, आखिर ये बात कब तक छुपी रह सकती थी। क्या हुआ मामा, कोई फोन ही नहीं उठा रहा? तो हम खुद चलते हैं ना। तुबा, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? मामा देखो तुबा, सबा मेरी बहन है, मुझे बहुत प्यारी है, उसके दुख भी मुझे अपने ही दुख लगते हैं, लेकिन तुम उस फैमिली से अवॉइड ही क्या करो। मामा, सबा आंटी आपकी बहन है, तो जारा और जीनू मेरी बहनों जैसी हैं।
मुझे मत समझाओ। अभी तुम्हारी शादी होनी है, रिश्ते वाले आएंगे तो सबा की फैमिली के साथ तुम्हारा भी नाम आ सकता है। क्या मतलब है आपका? मेरी शादी में ज़ारा और ज़ीनू शिरकत नहीं करेंगी? करेंगी, जरूर करेंगी, लेकिन तुम्हारी शादी पे, तुम्हारा रिश्ता करते वक्त मैं किसी को कानो कान खबर नहीं होने दूंगी। ओहो मामा, ये तो बात की बात है। अभी बेचारी ज़ीनू को देखो, कितनी बीमार है। तूबा, ज़ीनू की बीमारी मामूल की बात है। तुम जाओ, जाके स्टडी करो अपनी, जाओ। मामा जाओ। ओके फाइन। मेरा कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? डॉक्टर अंकल को छोड़ के आ गए आप? एक्चुअली मुझे थैंक यू करना था अमर अंकल, आप हर प्रॉब्लम में हमारा साथ देते हैं। ये गैरों जैसी बातें करना कब से सीख ली जा रहा तुमने? नहीं नहीं, मैं तो मामा से कहती हूँ कि काश हमारे पापा अमर अंकल जैसे होते। तुम्हें और ज़ीनिया को मैं अपनी बेटियां ही समझता हूँ। और हाँ, वो तुम्हारे मेडिकल कॉलेज के एडमिशन का क्या हुआ? उसमें अभी टाइम है, तो मैंने सोचा कि एमकेट कर लेती हूँ, उससे पहले टेस्ट में आसानी हो जाएगी। लेकिन पापा, डोंट वरी, तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे एडमिशन करवा दूंगा। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, मुझे यकीन है इंशाल्लाह तुम अपना मेरिट बना लोगी। थैंक यू सो मच अमर अंकल। ज़ीनिया को जरा देख लें। जी चल। पापा को बुलाए मामा प्लीज। कहाँ से बुला के लाऊं तुम्हारे पापा को मैं? इतनी दफा उनको फोन किया है मगर उनका फोन ही बंद है। तुम बेटा बस रिलैक्स करो, पता है 9 बजे से तुम्हारी हालत खराब है। डॉक्टर आए थे, तुम्हें चेक करके गए, रात के 2:30 बज गए हैं बेटा, और उन्होंने ना तुम्हें स्ट्रेस लेने से सख्त मना किया है, इंजेक्शन भी लगाया था। पापा कहाँ चले जाते हैं मामा? आपने फिर झगड़ा किया था ना पापा से, मैं सुन रही थी। हाँ, तुम सिर्फ सुन रही थी, झगड़े की वजह नहीं जानते। वजह भी जानती हूँ मैं। सीना, अमर अंकल आप इस वक्त यहाँ? ज़ीनू, अमर अंकल रात से हमारे साथ है, डॉक्टर को भी अमर अंकल ही लेके आए, ना घर में तो ना गाड़ी थी और ना मामा के पास पैसे थे। प्लीज ज़ारा, कैसी बातें कर रही हो? ज़ीनू मेरी बेटी है। कैसी हो ज़ीनू? मैं ठीक हूँ, मगर आपकी बेटी नहीं हूँ मैं। अपने पापा की बेटी हूँ। ज़ीनिया सो जाओ, तो रेस्ट करो। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अपनी बहन का सर दबा देती हूँ। मैं चलता हूँ अब सुबह। अहमद अंकल इतनी रात को? कोई बात नहीं बेटा, सुबह मैं गाड़ी छोड़ी जा रहा हूँ, जरूरत पड़ सकती है। अपना ख्याल रखना ज़ीनू बेटा। जी। ओके बेटा, टेक केयर। मामा, ज़ारा ये मामा क्यों चली गई? मामा अंकल को छोड़ने गई है, बस मामा के पीछे ही पड़े रहा करो तुम। अहमद, तुम गाड़ी यहाँ अपनी छोड़ के जा रहे हो, इतनी रात को घर कैसे जाओगे? डोंट वरी सबा, मैं कॉल करके कैब को बुला देता हूँ। मगर कैब सर्विस तो यहाँ बहुत देर से आती है, परेशान हो जाओगे तुम। कोई बात नहीं, खैर है, बस तुम जाओ, जाके ज़ीनिया का ख्याल रखो।
उसको संभालने की तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन हामिद, मैं अंबर से कहूंगा कि वो हामिद से बात करे, तुम बस अपना ख्याल रखना। अहमर, अगर तुम बुरा ना मानो तो प्लीज आज रात यहीं रुक जाओ। असल में सीनिया की तबीयत अभी कुछ संभली नहीं है, अगर रात को उसकी तबीयत खराब हुई तो मैं अकेले संभाल नहीं पाऊंगी। वैसे वो साथ वाला कमरा खाली है, मैं बेड साफ कर देती हूँ, तुम इत्मीनान से वहां रेस्ट कर लो। तो फिर ठीक है, मैं यहाँ सोफे पे सो जाता हूँ। सोफे पे? अरे सोफे पे कैसे सोगे, यहाँ तो तुम बेआराम हो जाओगे ना, और इतना थक भी गए हो। मैं रूम साफ कर देती हूँ। तुम मेरे लिए परेशान ना हो, मैं इधर ही सो जाता हूँ। अब देखो ना, अगर हामिद घर पे होता तो बात कुछ और थी, अब उसकी गैर मौजूदगी में मेरा ख्याल है कोई मुनासिब बात नहीं है। Are you sure? तुम जाओ जीनिया के पास जाके उसका ख्याल रखो, जाओ। मगर जाओ सबा, जाओ। Thank you, Emma.